ललितपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसकी आज शुरुआत सुरक्षा व्यवस्था के साथ हुई। मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और एक निश्चित दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। जनपद को 12 जोनल और 83 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 831 मतदान केंद्रों पर 1322 मतदान स्थल बनाए गए हैं। जिले में आज 8 लाख से अधिक मतदाता अपने मत का करेंगे प्रयोग, करते हुए गाँव की सरकार बनाने को मतदान करेंगे। बता दें, मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए 5288 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोविड के नियमों का पालन करने के अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। ललितपुर से राहुल साहू के साथ अशोक सेन की रिपोर्ट।